welcome back to my channel. I'm Nishant and you guys are watching Nish Hayes. After a very long time, I know, मैं इतने दिनों से कहाँ था, क्या कर रहा था, कहाँ बिजी था, क्या कंटेंट बना रहा था, इन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. बट इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे लेटेस्ट ट्रिप टू जम्मू एंड पंजाब के बारे में. सो एज यू नो, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ. सो एक चीज जो मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टेंट रहा है एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में रहा होगा, वो ये है कि हमारे फैमिली में मैंने बहुत बार सुना है कि अगर वैष्णो देवी माता के एक बार दर्शन हो जाते तो सब कुछ अच्छा हो जाता. एंड आई ऑलवेज यूज टू आस्क माई पेरेंट्स कि अगर इतना ही आपको मन कर रहा है तो वाई डोंट वी जस्ट गो. तो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि वैष्णो देवी माता के अगर आपको दर्शन करने होता है वो तभी हो सकता है अगर माता आपको बुला रही हो. एंड बचपन में जब मैं सुनता था तो मुझे लगता था ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भगवान आपको बुला रहा है, कैसे बुलाएगा. सो आई यूज टू आस्क माई पेरेंट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड आई ऑलवेज यूज टू बी वेरी क्यूरियस ऑन दिस टॉपिक कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माता आपको बुलाएगी तो ही आप जा सकते हो वरना आप नहीं जा सकते. बट अपेरेंटली वाइल ग्रोइंग अप आई सॉ माई पेरेंट्स प्लानिंग अ ट्रिप टू वैष्णो देवी माता एवरी ईयर एंड एवरी ईयर वो कहीं ना कहीं से प्लान कैंसिल हो जाता था. कभी डैड को छुट्टी नहीं मिलती थी तो कभी मेरे एग्जाम्स होते थे. बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कभी जा ही नहीं पाए. हाउएवर दिस ईयर समथिंग हैपेंड एंड सब कुछ एकदम से अलाइंड हो गया, आई डोंट नो हाउ. तो मुझे मेरे काम से भी ऑफ मिल गया, मेरे डैड को ऑफ मिल गया, हमारे टिकट्स फाइनलाइज हो गए एंड एवरीथिंग बिकेम स्मूथ लाइक अ बटर इन अ वे. एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि मे बी दिस इज द टाइम कि हमें वैष्णो देवी माता ने सही में बुलाया है. सो दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट दिस ट्रिप टू वैष्णो देवी माता. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन 3, 2, 1 गो. हेलो गाइस, सो मैं करंटली लखनऊ में आ चुका हूँ पुणे से. एंड ये चीज़ मैंने बहुत बार अपने इंस्टाग्राम एंड अपने यूट्यूब चैनल पे बता रखा है दैट लखनऊ इज़ माय फेवरेट सिटी गाइस. एंड लखनऊ में मैं इससे पहले 4 साल था. एंड लखनऊ में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, उनमें से एक जगह जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क जो गोमती नगर में है. अंबेडकर पार्क के ऊपर मैंने बहुत सारे रील्स बहुत सारे वीडियोस बना रखे ऑलरेडी, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा वहाँ पे. ये वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है लखनऊ का, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है. एक सजेशन रहेगा कि गर्मी के टाइम पे दोपहर में मत आओ, आप पिघल जाओगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है. लेकिन हाँ, ठंडी या हवा के मौसम में या बारिश के मौसम में दिस प्लेस बिकम हेवनली टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है. तो गोमती नगर में थोड़ा बहुत टहलने के बाद हम लोग रेस्ट करने चले गए एंड उसके बाद हमारी ट्रेन थी शाम को कतरा के लिए. आई विल मीट यू गाइस डायरेक्टली एट कतरा जम्मू इंडिया. सो वी फाइनली रीच गाइस, हाउ इज द एक्सपीरियंस ध्रुव, हाउ इज द जर्नी? ग्रेट टिल नाउ. ग्रेट टिल नाउ, ग्रेट. It is a very sunny day actually. And chal. Guys, this is the Katra Junction. Is my mom doing some photo shoot? So we are currently at Katra Shri Vaishno Devi Mandir के यहाँ पे आ चुके हैं. यहाँ पे मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, so I will try my best कि मैं voice record करूँ एंड जहाँ पे possible हो वहाँ पे मैं अपना voice करूँ. जब भी हम वैष्णो देवी माता जाते हैं तो वी गेट दिस काइंड ऑफ आईडी प्रूफ, वो हम लोगों ने अभी कलेक्ट कर लिया. सो आई एम गोना शो यू द व्यू आउटसाइड द स्टेशन एंड इट इज फिनोमिनल गाइस, जस्ट लुक एट इट. आई डोंट नो कितना ज़्यादा कैप्चर हो रहा है कैमरा में, बट इट्स अमेजिंग. इट्स लाइक आई डोंट नो वेयर एम आई, बट इंडिया के स्टेशन ऐसे कूल नहीं दिखते मुझे कभी.
कतरा के रेलवे स्टेशन में बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है बिकॉज यहाँ पे पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग आते हैं वैष्णो देवी माता का दर्शन लेने। बट आप टेंशन मतलब यहाँ पे बहुत सारे होटल्स एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको आराम से मिल जाएंगे जहाँ पे फ्रेश हो सकते हो, नहा सकते हो। बिकॉज जहाँ से एक्चुअल वैष्णो देवी का यात्रा शुरू होता है वो कतरा रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में होगा, वहां तक आपको जाना पड़ेगा। एंड वहां पे अगर आप गाड़ी से आए हो तो गाड़ी वहां पे पार्क कर लो। हमारे साथ इस यात्रा में रामतीरथ अंकल जो मेरे पापा के दोस्त हैं उनकी फैमिली भी आई है एंड हम लोग साथ में ही वैष्णो देवी के दर्शन लेने जा रहे हैं। अपना नाम बताओ। रुद्रा। रुद्रा। हाँ। कौन से क्लास में हो? फर्स्ट में हो। और आप? नहीं नहीं कोई बात। यूकेजी। यूकेजी। क्या नाम है? ईश्वरिया। ईश्वरिया। गांधी जी बन रहे। जैसे यात्रा शुरू हुई 2 कदम ही हुए होंगे कि आप देख सकते हो नजारा इतना सुंदर लग रहा था और आप व्यू भी देख सकते हो, पहाड़ों के बीच में है वैष्णो देवी माता। एंड सबसे पहले अभी हम लोग जाएंगे मेन चेक पॉइंट पे जहाँ पे हमारे बैग्स एंड ऑल चेक होंगे। बहुत सारी चीजें अलाउड नहीं होती जैसे कैमराज एंड ऑल, सो अगर आप कैमरा ला रहे हो तो अलाउड नहीं होगा, आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जैसे नाइफ एंड ऑल वो भी अलाउड नहीं है, सो कृपया करके वैसी चीजें आप ना लाए। शाम के लगभग 5:30 या 6 बज रहे होंगे लेकिन स्टिल इतने सारे लोग थे यहाँ पे। एक स्पॉइलर अलर्ट दूँ आप लोगों को, ये टाइम बेस्ट है वैष्णो देवी आने के लिए। अगर ये वीडियो पूरा देखोगे तो आप पता चलेगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ, बट टिल देन आई एम जस्ट गोना से दैट बहुत ही ज्यादा लोग आते हैं एंड यहाँ पे आपको थोड़ा भी ऐसा फील नहीं आएगा कि आप अकेले जा रहे हो या कुछ वैसा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे भक्त बहुत सारे पिलग्रिम्स के लोग आते हैं, सो आपको कभी भी यहाँ पे बोर या अकेलापन फील नहीं होगा। अगर हम वैष्णो देवी मंदिर की बात करें तो ये त्रिकुटा माउंटेन ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। इट इज एस्टिमेटेड दैट ओवर 10 मिलियन पिलग्रिम्स विजिट द टेम्पल एवरी ईयर। कैन यू इमेजिन कि 10 मिलियन लोग हर साल यहाँ पे आते हैं एंड दिस इज ओनली अ रफ एस्टिमेशन, इससे कई ज्यादा लोग आते हैं। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेस वैष्णो देवी, महाकाली, महालक्ष्मी एंड महासरस्वती। इन तीनों माताओं के मिलने से कहते हैं कि वैष्णो देवी माता का जन्म हुआ था। रिलीजन मुझे लगता है कि वो हम सबको कुछ ना कुछ सिखाता है, बट आज के टाइम में मुझे लगता है रिलीजन को बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया जाता है बाय डिफरेंट पीपल। वैष्णो देवी माता की बहुत सारे कहानियां हैं जो यहाँ पे आने के बाद आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगी, इसलिए अगर आप कभी भी वैष्णो देवी घूमने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वैष्णो देवी टेम्पल के भी ऊपर ये जो त्रिकुटापुरा माउंटेन है उसके एकदम टॉप पीक पे देयर इज अनदर टेम्पल जो है भैरवनाथ का टेम्पल। और अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो माता वैष्णो देवी ने माना था कि भैरवनाथ ने अपनी गलतियों को माना इसलिए उन्होंने उनको अपने सर पे जगह दी थी एंड दैट्स हाउ द एंटायर स्टोरी वैष्णो देवी एंड भैरवनाथ वॉज क्रिएटेड। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप वैष्णो देवी घूमने आए हो लेकिन आप भैरवनाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपका ये जो पूरा यात्रा है वो कम्प्लीट नहीं होता। सो मेक श्योर टू विजिट एंड प्रे एट भैरवनाथ टेम्पल। अर्धकुमारी में खाने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम लोग 9 बजे के आसपास अर्धकुमारी पहुंचे थे तो हमें बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी तो हमने सोचा चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं। हमने वहाँ पे अर्धकुमारी के टिकट भी लिए जहाँ पे हमें पता चला कि 36 आवर्स का वेटिंग करना पड़ेगा जो हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था इस पूरे ट्रिप के लिए, सो हमें अर्धकुमारी स्किप करना पड़ा। एंड आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हमने अपना यात्रा 6:00 शुरू किया और हम जब वैष्णो देवी पहुंचे तो ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे रात के। हमारे पैर दर्द हो रहे थे लेकिन नींद नहीं आ रही थी, हवा में कुछ तो ऐसा था पता नहीं क्या, लेकिन हमारे पैर अपने आप चलने लगते हैं। हमारे पैर रुकते तो थे बट हमारे पैर फिर चलने लगते थे। यहाँ पे आपको बहुत सारे घोड़े गाड़ी पालकी एंड ऑल भी मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल सजेशन आपको दूंगा, अनलेस एंड अंटिल आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या अगर आपको सही में दिक्कत है चढ़ने में तभी आप इन सारी चीजों का मदद लें। अगर आप फिट है अगर आप चल सकते हो देन प्लीज डोंट टेक द हेल्प ऑफ द हॉर्स और द पालकी बिकॉज वो बेचारे घोड़े पूरे टाइम ऊपर नीचे करते रहते हैं एंड मैं एक चीज बोलूंगा कि उसकी वजह से बहुत सारे घोड़े बीमार पड़ जाते हैं, कुछ घोड़े तो मर भी जाते हैं।
फाइनली जब हम लोग वैष्णो देवी मंदिर के पास पहुंचे तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी फ़ोन की बैटरी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। सेकेंडली मैं चाहूँ तो अपना पावर बैंक से चार्ज कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि वैष्णो देवी मंदिर के अंदर मुझे नहीं वीडियो बनाना था। रीज़न बीइंग आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द एंटायर थिंग ऑन माय ओन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। माता के दर्शन के बाद दिल को सुकून जैसा फील हुआ। इवन तो रात के 1 बज रहे थे बट ऐसा फ्रेशनेस फील हो रहा था दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन। और उसी के साथ वैष्णो देवी माता के दर्शन के बाद हम लोग भैरवनाथ के दर्शन के लिए और आगे बढ़ने लगे। ट्रैक इज नॉट कंप्लीटेड येट बट इज ऑलरेडी डेड। यार मेरा पीठ दर्द हो रहा है, पैर भी दर्द हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो। किधर गया था तू? जीवधन 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 है जीवधन। But dude, this is like I'm walking since afternoon, so it's crazy tiring. I'm very tired. थक गया। अभी कितने बज रहे पता है? 3:30. 3:30 हो रहे हैं अभी, बस रात के 3:30 midnight. 6 बजे से हम लोग चले जा रहे हैं, so obviously अभी नीचे भी आना है। अभी नीचे भी आना है, अभी तो हम ऊपर ही जा रहे हैं। Total 14 kilometers. Only up. Only a 14, total 28 kilometers हम up and down करने वाले, so what लग रखे guys? टाटा। और मैं बता दूँ भैरवनाथ मंदिर वैष्णो देवी मंदिर के भी 2 kilometers ऊपर है एंड उसकी जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टीप है, तो अगर आपके घुटनों में दर्द होता है या अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट वही है ना, अगर आप भगवान के दर्शन लेने आए हो तो थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा बाबा। फाइनली भैरवनाथ मंदिर के दर्शन हुए हमारे, ऑलमोस्ट 4-4:30 बजे तक हो गए थे। उसके बाद हमने गहरी सी सांस ली एंड हमने भगवान को शुक्रगुजार किया कि हम लोग अभी भी जिंदा थे, क्योंकि हम लोग शाम की 6 बजे से सुबह के 4-4:30 बजे तक चली रहे थे एंड स्टिल हमारी बॉडी इंटैक्ट थी। आँखों में नींद थी लेकिन पता नहीं कैसे हम लोग चल रहे थे। सो हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, हमने सनराइज़ देखा एंड उसके बाद हम लोग नीचे की ट्रैकिंग शुरू की जो अगेन 6 घंटे का ट्रैक था। लेकिन चलते चलते बहुत सारे सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिला जो रात के समय हमें देखने को नहीं मिल रही थी, वो दिन के किरणों के कारण हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिख रही थी। यहाँ का जो हवा है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है एंड वो एक पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइब्रेशन को रेडिएट करता है। और इसी के साथ चलते चलते हम लोग नीचे पहुँच गए और ये पूरा ट्रिप बहुत ही ज़्यादा सुनहरा रहा हमारे लिए। आई गॉट टू लर्न अ लॉट अबाउट मी इन दिस जर्नी। ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी था मेरे लिए। अनफॉर्चुनेटली जम्मू में हम लोग बस 3 दिन रुके थे जिनमें से 2.5 दिन तो हम लोग वैष्णो देवी मंदिर में ही थे, इसलिए हम लोग कहीं और घूमने नहीं जा सके। बट अभी हम लोग कतरा से डायरेक्ट जा रहे हैं अमृतसर पंजाब, वहाँ पे हम लोग घूमेंगे, वहाँ पे हम लोग 2 दिन का स्टे है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो से एंड क्या आप वैष्णो देवी घूमने गए हो। अगर गए हो तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस डाउन बिलो। So that was it guys, I hope you enjoyed this video. Our trip to Vaishno Devi Mata was actually very nice and hamara jo pura timing tha and jo sunrise humne dekhne ko mila at the top was amazing and out of the world. Maine kabhi itna zyada sundar nazara apne life mein kabhi dekha nahi tha and it was a very beautiful scenery. Next thing is ki vlog yahan pe khatam nahi hua, iska jo second part hai that is about Punjab. Amritsar mein jab hum gaye the to definitely golden temple we visited, we went to Jallianwala Bagh, we went to Wagha border and aise bahut sare एक्सपीरियंसेस भी हमने किए। सो मैंने सोचा उसको इस वीडियो में ऐड ऑन करने का मतलब नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एंड आई विल मीट यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट एंड आई विल मीट यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय।